बेल्ट्रॉन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती ऑनलाइन की तिथि 20/2/2024 से 15/3/2024 तक निर्धारित है। कल से यानी कल से जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर। इसलिए उससे NIOS कोड 336 सिलेबस के अनुसार उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, जो उसके अनुसार सिलेबस के अनुसार आपको MCQ की तैयारी के लिए आगे बताया जाएगा, और उसमें क्वेश्चन भी है उसका भी बताया जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होते रहे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स किसके बने होते हैं? पहला है क्रोमियम, बी है आयरन ऑक्साइड, तीसरा है हीरा, चौथा है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोड, बूटिंग, सैम्बूल या इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है बूटिंग। तीसरा है MMS का पूरा नाम क्या है? तो MMS का पूरा नाम है, सही है इसका आंसर है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। कीबोर्ड को कैसे लॉक किया जाता है? कीबोर्ड है उसको कैसे लॉक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है विंडोज लोगो प्लस L दबाएंगे तो कीबोर्ड का जो है लॉक हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित शब्द FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल। अगला छठा क्वेश्चन है, 1 GB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 1024 MB। 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1024 MB। सातवां क्वेश्चन क्यों रहा था, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पहला है चार्ल्स बैबेज, दूसरा जोसेफ मेरी, तीसरा जॉन मॉकुकली और चौथा है टॉम लिंसन। तो सात का सही आंसर है पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी ने किया था। पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी ने किया था। इंटरनेट के संस्थापक कौन है? सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है इंटरनेट के संस्थापक कौन है? विंटर सर्फ। इंटरनेट के संस्थापक कौन है? विंटर सर्फ। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली प्रथम राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? सबसे पहले जो इंटरनेट पर राजनीतिक पार्टी वेबसाइट बनाया था उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है BJP, दूसरा JDU, तीसरा कांग्रेस, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। इसका सही आंसर होगा BJP, BJP इसका सही आंसर है BJP। मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 10, मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? आउटपुट है, आउटपुट देता है। उसी प्रकार माउस कैसा उपकरण है? माउस जो है कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? तो इनपुट, माउस जो है क्या करता है? इनपुट देता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ खोला गया? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर नई दिल्ली में खोला गया है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 13 नंबर, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूरा नाम क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रयुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? है तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन। इसके लिए विशेष पावर पॉइंट में जाकर के जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो उससे ज़्यादा याद होगा। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? द कंट्रोल पैनल को, कंट्रोल पैनल में जाकर के नया समय और दिनांक को निर्धारित करते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो कंट्रोल पैनल में जाके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए? इसका सही आंसर है इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है Ctrl+A, Ctrl+A। MS Excel 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत, MS Excel 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक ट्रैक चेंजेज में सिर्फ किसका विकल्प होते हैं, कितने विकल्प होते हैं? तो उसका सही आंसर है 2 विकल्प होते हैं। MS Excel 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज में सिर्फ कितने विकल्प होते हैं? 2। MS Excel 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है Shift+F2। MS Excel 2016 में ऑटो स्पेस रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है इंसर्ट टैब के अंदर। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेट पे जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसका जो पहचान होगा उसका IP एड्रेस से ही होता है, जिसको बार बार सुनते हैं IP एड्रेस ट्रेस करने पर पकड़ा जाता है, या कोई चोरी करता है, कुछ भी करता है, या कोई गलत काम रहता है तो IP एड्रेस से उसको पकड़ा जाता है। मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है?
इसका सही आंसर है फाइल सेव। फाइल में सेव करते हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको फाइल में सेव करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पाई चार्ट केवल किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकता है? इसका सही आंसर डेटा की एक श्रृंखला। पाई चार्ट केवल किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकता है? डेटा की एक श्रृंखला। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? इसका सही आंसर है एक। डायल अप विधि का उपयोग किसको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मेल मर्जर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है? मेल मर्ज उसको कहते हैं, जैसे उसमें एक वर्ड में तैयार कर लिया और बहुत सारा को भेजना है एक ही सेम, तो उसमें सिर्फ एक्सेल में तैयार करके उसको मेल मर्ज जब कर देंगे तो एक लेटर से ही सारा सभी को प्रिंट हो जाएगा और मेल भी जा सकता है, उसी को कहते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म, कम से कम दो क्वेश्चन हार्वर्ड बेल्ट्रॉन में पूछा जाता है, इसलिए मेल मर्ज को डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा और आगे के वीडियो में भी आप लोग को बताया जाएगा। मेल मर्ज मर्जर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है? मेलिंग्स में होता है। किस में होता है? मेलिंग्स में। वर्ल्ड बाय वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड बाय वेब का आविष्कार ऑप्शन नंबर एक है टीम बर्नर्स ली ने किया, टीम बर्नर्स ली ने किया था। फिर है मेल मर्ज से क्वेश्चन, मेल मर्ज के तीन डॉक्यूमेंटेशन शामिल हैं, ये कौन कौन है? मैंने मेल मर्ज में तीन डॉक्यूमेंट करने के लिए तीन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, कौन कौन है? 29 का आंसर होगा ग, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट, जिसको मर्ज करना उसको आवश्यकता है, फिर डेटा जो सोर्स है उसको, फिर मेन जो डॉक्यूमेंट है उसका, तीन चीज़ का जरूरत पड़ता है मेल मर्ज करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम वेब ब्राउजर का विकास कब हुआ था? तो सर प्रथम वेब ब्राउजर का विकास कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी WWW का ट्रिपल जो W है उसका आविष्कार किसने किया था? कौन डिवाइस कौन सा है सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस? तो 36 का आंसर होगा एक, मैग्नेटिक टेप, जो स्टोरेज करने के डिवाइस है सबसे पुराना मैग्नेटिक टेप है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 2 दिसंबर, कि 1 दिसंबर, 19 दिसंबर या 30 जनवरी। इसका सही आंसर होगा 37 का 2 दिसंबर। ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है इसमें चार ऑप्शन, एक परिचालन तंत्र, शब्द साधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है डाटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कारक चार ऑप्शन है IBM है या माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, इंफोसिस्टम। इसका सही आंसर है सन माइक्रोसिस्टम। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ पर सेव हो जाती है? जो हार्ड डिस्क या कोई फाइल को उसको मान ले उपयोग के नहीं है, उसको हम डिलीट करते हैं अगर कंप्यूटर से, तो वो जो सेव हो जाएगा फिर रिसाइकल बिन में सब जमा हो जाता है। जब उससे डिलीट कर देंगे तो फिर वो फाइल नहीं मिलेगा। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ पर सेव हो जाती है? तो रिसाइकल बिन में। पीसी के लिए विंडोज 8 में कितने एडिशन जारी किए हैं? है पीसी के लिए जो विंडोज 8 में कितने एडिशन जारी किए गए हैं? तो 42 के आंसर 2 है, दो एडिशन जारी किए गए हैं। स्टार्ट बटन किस बार में होता है? तो स्टार्ट बटन जैसे टाइटल बार में है, कि टास्क बार में है, कि टास्क पेन में है, कि टूल बार में है, जो स्टार्ट बटन होता है उसका सही आंसर है 2 नंबर, टास्क बार में होता है। कंप्यूटर बंद करने के लिए क्या करते हैं? इस क्वेश्चन का कहना है कि कंप्यूटर बंद करने के लिए क्या करते हैं? तो कि उसका सप्लाई बंद कर देंगे, बिजली काट देंगे क्या? शटडाउन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं क्या? कि कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता है, कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता है कि बिजली काट देंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन और सब कंप्यूटर को बंद नहीं करते हैं। और घर में क्या कंप्यूटर बंद नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर बंद होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 2 नंबर है, शटडाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। किसी स्पेसिफिक से में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। न्यू वर्कशीट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे वर्कशीट में काम करें उसमें नया वर्कशीट ऐड करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? पहला नंबर दिया है Alt+Shift+F2 है, Alt+Shift+F1 है, Alt+Shift+F4, Alt+Shift+F3। तो इसका सही आंसर है Alt+Shift+F3। न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+Shift+F3 दबाएंगे तो ऐड हो जाएगा। एक्सेल में फंक्शन जो इंसर्ट करते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा Shift+F3। काउंट करने का सही फॉर्मूला क्या है? किसी भी संख्या को जैसे एक्सेल में गिनती करते या काउंट करते हैं तो उसका सही फॉर्मूला क्या है, वही पूछ रहा है। तो इसका सही फॉर्मूला जो दे रहा है @ काउंट और ये ब्रैकेट। एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्लिप्ट करते हैं तो विंडो के कितने पेन में स्लिप्ट हो जाती है
है, तो इसका सही आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन को एक प्रकार है, पेज मार्जिन का एक प्रकार है, पहला है शीर्ष यानी टॉप या मध्य सेंटर बिकर डायगोनल कोने कॉर्नर, इसका सही आंसर है टॉप। पेज मार्जिन का एक विकल्प एक प्रकार है किसका, शीर्ष में रहता है। आप लोग को बता दें वीडियो में किसी प्रकार के एडिट नहीं किया हुआ रहता है, बोलने में हो सकता है किसी भी प्रकार की कोई शब्द में गड़बड़ी हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सर समय वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें।